जब हम बटरफ्लाइज और बीज को अपने गार्डन में बुलाना चाहते हैं, तब सबसे पहले खूबसूरत फूलों का नाम आता है, उसमें से ही एक पौधा है डेजी का। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डेजी पर थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत ही हार्डी प्लांट है, और अगर आप अपने गार्डन में बहुत सारी बटरफ्लाइज और बीज को बुलाना चाहते हैं, तो इस खूबसूरत से पौधे को अपने गार्डन में, अपनी बालकनी में ज़रूर लगाएं। सो बात करते हैं इसकी केयर पर। बहुत इजी है और ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है डेजी की केयर। मीडियम साइज पॉट में ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सीमेंट का सर्कल है, सीमेंट का जो पॉट आता है वैसा राउंड शेप पॉट है, और इसमें ये लगा हुआ प्लांट है। ये सपलिंग लाई थी मैं नर्सरी से पिछले साल समर के एंड में। ये समर में ब्लूम नहीं करता, विंटर में और जैसे ही बारिशें चालू होती हैं ये फ्लावर बहुत सारे प्रोड्यूस करता है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये पौधा पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ है। डेजी को फुल सनलाइट चाहिए। अगर आप डेजी का प्लांट अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसे फुल सनलाइट में रखिए, इसे सनलाइट से प्रॉब्लम नहीं होती। पानी इसके लिए, इसका ड्रेनेज अच्छा हो और हमेशा इसमें मॉइस्टनेस बना रहे, इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है वाटरिंग के मामले में। फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं, 15 दिनों में एक बार मैं कंपोस्ट ऐड करती हूँ थोड़ी सी मात्रा में। 1 से 1.5 फीट तक ये पौधा हाइट लेता है, और अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो कभी कभी ये 2 फीट तक लंबा हो जाता है, पर बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। सनलाइट इसे अच्छी लगती है, सो आप डायरेक्ट इसे सनलाइट में रख सकते हैं। ये अगर आप इसके पेस्ट के मामले में, अगर पेस्ट कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स वगैरह की बात करें, तो ये प्लांट नॉर्मली एफिड्स, मिलीबग्स वगैरह सबसे, सभी इसको परेशान करते हैं। बट मैंने अभी तक इस पर 2 से 3 बार नीम ऑयल का स्प्रे किया है, सो अभी तक मेरा प्लांट इंसेक्ट फ्री है। अभी तक इस पर किसी तरह का पेस्ट अटैक नहीं हुआ है। डेजी सीड से भी ग्रो होता है और इसकी कटिंग्स भी बहुत आसानी से लग जाती हैं। इस वक्त जो आप सूखे फ्लावर्स मेरे प्लांट पर देख रहे हैं, इन फ्लावर्स में सीड डेवलप हो जाए इस वजह से मैंने इन्हें प्लांट पर रहने दिया है। एक बार फ्लावरिंग हो जाने के बाद जब इसके फ्लावर्स सूख जाते हैं, तब आप ये सारे फ्लावर्स इसे कट कर दीजिए। आप जितने फ्लावर्स सूखे हुए हटाते जाएंगे, ये डेजी और अच्छे से नई नई लीव्स और छोटी छोटी कलियाँ और प्रोड्यूस करता जाएगा, और पूरा प्लांट फूलों से भरा रहेगा। इसे प्रूनिंग बहुत पसंद है। एक बार अच्छी तरह से ब्लूम हो जाने के बाद इसे पूरी तरह से प्रून, अगर आप प्रून कर देते हैं तो ये फिर से खिलने लग जाता है। अगेन 15 डेज में कंपोस्ट ऐड कर दीजिए, पानी हमेशा दीजिए, बट मॉइस्टनेस बना रहे इस बात का ध्यान रखिए। और स्पेशल केयर इसकी ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस प्रूनिंग इम्पॉर्टेंट है। मेरे ये जितने भी फूल आप देख रहे हैं, ये काफ़ी दिनों पहले खिल चुके थे। स्टार्टिंग में इसका कलर ब्लू कलर का होता है और बहुत खूबसूरत लगता है दिखने में, और ये अपने आजू बाजू से छोटे छोटे शूट्स प्रोड्यूस करता है। मतलब ये प्लांट अपने आप बढ़ते चला जाता है। आप इस वक्त देख सकते हैं छोटे छोटे शूट्स मिट्टी के अंदर से बाहर आ रहे हैं। कुछ दिनों में जब ये भी बड़े हो जाएंगे तब ये हाइट लेना शुरू करेंगे। आप इस तरह की कटिंग्स को यहाँ से कट करके अलग लगा दें तो भी डेजी ग्रो हो जाती है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे डेजी के प्लांट ने 3 मौसम देखे हैं। मतलब समर में, जब समर का मौसम इसने अच्छी तरह से झेला, उसके बाद जैसे बारिशें चालू हुई, कुछ परसेंट तक ये प्लांट सूख गया था पर सर्वाइव कर रहा था। मैं इसे शेड में नहीं रख पाई थी, लेकिन अगर आप इसे लगाकर शेड प्रोवाइड करेंगे तो ये समर में भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, मरेगा नहीं। एक बार लाने के बाद इस प्लांट को आप काफ़ी लंबे समय तक अपने घर में रख सकते हैं। सो गाइस, देखिए 15 दिनों के बाद पुराने फूलों को मैंने कट कर दिया था, और जो शूट्स मैंने आपको आजू बाजू दिखाई थी, अब ये लॉन्ग होती चली जा रही हैं, और इस सभी में कितनी सारी कलियां फिर से ब्लूम करने के लिए रेडी हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं, मैंने आपको आजू बाजू से जितने भी शूट्स दिखाए थे वे सभी अब लॉन्ग लंबे होते जा रहे हैं, और पुराने फूल जो हैं वो सूख चुके हैं। मैंने सीड बनाने के लिए ही इन्हें अभी तक प्लांट पर रहने दिया है, बट अब मैं इन्हें भी प्रून कर दूंगी ताकि ये बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करते रहे। सो गाइज, ये मेरी इन्फॉर्मेशन थी डेजी प्लांट के ऊपर। आपको कैसा लगता है ये वीडियो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इससे अलावा कोई क्वेरी आपकी हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।